अशोकनगर में युवती के अपहरण की कोशिश के मामले में तत्काल कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी सलीम के घर पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। निश्चित रूप से है, जिस तरह का ये कृत्य था, उस कृत्य के बाद इस तरह के आरोपियों पर यह कार्यवाही लाजिमी थी और इस कार्यवाही को करने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी ओर से कदम बढ़ाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ से प्रस्ताव बनाकर SDM साहब को भेजा है। SDM साहब ने नगर पालिका से और अपने राजस्व विभाग से इसकी परीक्षण कराया। परीक्षण कराने के बाद इनका मकान अवैध रूप से अतिक्रमण में बना पाया गया है और तत्काल इसको तोड़ने की कार्रवाई, इनका नोटिस चस्पा किया गया और चस्पा करने के बाद तत्काल तोड़ने की कार्रवाई कराई गई। दरअसल अशोकनगर में सरेआम कुछ गुंडे एक रेप पीड़िता को घसीटते हुए ले गए। तलवार और डंडे लेकर आए मुख्य आरोपी सलीम और उसके साथियों ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। मोहल्ले के लोगों को भी धमकाया। हालांकि जब मोहल्ले में भीड़ बढ़ी तो आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अशोकनगर से भोपाल तक हड़कंप मच गया। CM मोहन यादव तत्काल कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और अशोकनगर SP के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, MP तक।